हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज आपको मैं दिखा रहा हूँ बारिश कैसे बैंड बजाती है हमारे पौधों की, और हम कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन जो कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं और हमारी मेहनत बहुत ख़राब कर जाती हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, आप लोग जानते हो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी आज से 12-13 दिन पहले जो है, तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद क्या हुआ कि हर रोज़ बारिश हो रही है। अभी भी आप देखोगे ना तो कहने के लिए धूप निकली हुई है इधर साइड, अगर मैं आपको दिखाऊं जो है, लेकिन अभी ही जस्ट बारिश होके गई है। लगभग एक घंटा अच्छे तरीके से बारिश हुई है। हर रोज़ दोस्तों इतनी बारिश हो रही है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और बिल्कुल सरदर्दी की हुई है बारिश ने जो है। मैं फीडिंग भी नहीं दे पाया हूँ इनको, कम से कम 11-12 दिन हो गए जब मैंने फेरस की फीडिंग दी थी लास्ट दिन कुछ पौधों में जो है, उसके बाद मैं कोई फीडिंग नहीं दे पाया। छोटे गुलाबों की बात करूँ इनमें भी कोई नहीं दे पाया मैं। कारण है दोस्तों मीडिया ड्राई ही नहीं हो पा रहा है। आप देखोगे कितना ज़्यादा, कल पूरी रात दोस्तों बहुत देर बारिश हुई है, देखिए इतना ज़्यादा गीला मीडिया है। इसमें मैं ज़बरदस्ती अगर फीडिंग दूंगा तो इनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी पौधों को जो है, और इसी लिए जो है इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। क्या ही दिखा था जो है कि ये फीडिंग देनी है, कुछ करना है। दोस्तों एक दिन मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी किया और थोड़ी देर बाद जो मतलब बिल्कुल सूखा मौसम था एकदम, और बादल आए एकदम बारिश कर गए, वो भी धुल गया जो है। तो मैंने फिर अगले दिन जो है किया देख के, क्योंकि जो हम स्प्रे करते हैं ना अपने गुलाब में, हर दवा का दोस्तों एक अपना टाइम होता है। कि मान लीजिए अगर आपने अभी स्प्रे किया है तो कोई दवा एक घंटे में पौधा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई दवा जो है वो 2 घंटे में एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके पीछे भी लिखा रहता है, बॉटल के पीछे भी, अगर आप अच्छी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड यूज़ कर रहे हो कि उसका रेनफोर्सनेस कितना है, ठीक है, तो उसको वो टाइम बोलते हैं। तो लगभग दोस्तों मेरा जो एक अनुमान है वो लगभग 2-3 घंटा तो मिलना ही चाहिए कोई भी चाहे अपने दवा स्प्रे की। तो ऐसे में वो दवा धुल गई जो है, तो वो बेकार हुआ हमारा स्प्रे जो है, ठीक है। तो फिर किया जो है, और अभी आप देखेंगे, देखिए ये कल जो फूल थे ये बहुत अच्छे खिले हुए थे, लेकिन रात में जो बारिश हुई ना भयंकर वाली, मतलब बिल्कुल इनकी वाट लगा दी। कल ये इतने सुंदर लग रहे थे, आप देखो ये इतनी बारिश हुई कि ये चिपक तक गए आपस में, और ये बिल्कुल न्यू बड्स हैं, कोई फंगस नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए डेविड ऑस्टिन वैरायटी है, देखिए। तो इस प्रकार से जो है दिक्कतें जो बहुत ज़्यादा हैं सच में जो गार्डनिंग में, कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अब का जो टाइम था ना, मतलब मेरे यहाँ जो बारिश का सीज़न रहा है अब वो पूरा निकल गया। लगभग 7 जुलाई से दोस्तों जो है बारिश लगातार हो ही रही है वैसे, लेकिन 2-3 दिन हो गई फिर रुक गई जो है, 2-3 दिन को फिर हो गई, ऐसे हुई। अब 11-12 दिन जो हुई है ना ये लगातार बारिश, इसने बिल्कुल वाट लगा दी है जो है, ठीक है। कोई दोस्तों फीडिंग ही नहीं दे पा रहे हैं जिससे जो है, और आप देखेंगे कल तेज़ हवा भी चली थी रात को, तो ये स्टैंड रोज़ भी पूरा गिर गया था, लेकिन ये कहो ये टूटा नहीं इस प्रकार से। देखिए इसमें भी बहुत अच्छे फूल खिल चुके होते अब तक जो है, ये देखिए ये मैरी गो राउंड करके है। अब यहाँ पे दोस्तों एक समस्या जो और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रायसस थोड़ा अब ज़्यादा पुराना हो गया है। एक तो इसमें हमने काफ़ी टाइम तक मल्चिंग भी की थी जो है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा पुराना भी हो गया है हमारा रायसस जो है, ठीक है। तो मल्चिंग जब हम करते हैं ना तो मीडिया बहुत जल्दी जो है थोड़ा सा डीकम्पोज होता है। कारण दोस्तों है उसमें बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। फिलहाल बुरों से बुरे इतने सारे डेवलप नहीं होते, उसको आप फिल्टर भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अच्छे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करते हैं। रूट ऊपर तक भर देती है एकदम, जो ऊपर तक वाइट रूट्स आपकी आ जाएंगी मल्चिंग जो होती है नारियल के छिकलों की, ठीक है। लेकिन रायसस में मैंने देखा है थोड़ा मीडिया जल्दी डीकम्पोज होता है जब आप इसको जो है रायस उसकी मल्चिंग कर देते हो, तो मीडिया भी दोस्तों थोड़ा सा डीकम्पोज है। और दोस्तों दिक्कत कोई नहीं आए, लेकिन यही है ना कि थोड़ा फीडिंग भी तो अब इनको मिल पाए तब ये कुछ ग्रोथ कर पाए, लेकिन फीडिंग मिल ही नहीं पा रही, तो इसलिए आप देख सकते हो ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं हो पा रही। हालांकि पौधे पूरी कोशिश कर रहे हैं जो है, देखिए जो है ये छोटे छोटे पौधे हैं जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर हो रहा है इस टाइम पे जो है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और देखिए मैंने इसकी तो रिपोर्टिंग कर दी थी, तो जिसकी भी हम रिपोर्टिंग कर देते ना उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, देखिए। और ये देखिए हल्का सा अभी बारिश हुई है जस्ट, फिर भी ये हल्का सा ड्राई है क्योंकि ये नया रायसस है। थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको जो है इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी जो है, आपको बताया भी हो 1-2 वीडियो में, देखिए रूट्स भी ऊपर तक भरी हुई हैं इसमें जो है, ठीक है, ये देखिए। और इसकी अगर प्रॉपर फीडिंग चलती रहे तो ये बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, लेकिन मजबूरी है और अभी मुझे संभावना भी नहीं लगती 2-3 दिन की कुछ हो पाएगा, देखिए।
इसमें ये नए पत्ते आए थे, देखिए फेरस दिया था, देखिए ये पुराने पत्ते भी ग्रीन हो गए थे। अपडेट में शेयर ही नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा अच्छा रहेगा मामला जो है, लेकिन बारिश ने सब खराब कर दिया। ये देखिए सारे पत्ते ग्रीन हो गए। देखिए इनकी भी देखिए आप, बिल्कुल नोट्स जो हैं ये बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, जैसे निकलने को एकदम तैयार हो। फीडिंग इनको जैसे ही शुरू हो जाए तो ये वैसे ही चल जाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन मजबूरी है, जब तक मीडिया नहीं सूखेगा नहीं दी जा सकती फीडिंग जो है, क्योंकि ये दोस्तों सेंडर मीडिया नहीं है कि आराम से दे दी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देख लीजिए इस तरीके से बर्ड्स आई हुई हैं। फिलहाल इसकी दोस्तों मैं बर्ड तोड़ दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी वैरायटी पेड़ टाइप की है, और ये वाले जो डेविड ऑस्टिन है इनकी नहीं तोड़ता हूँ, ये थोड़ी सिरप टाइप की है, ठीक है, आप देख के भी समझ रहे हो, थोड़ी सी लुकी झुकी टाइप की रहती है ये जो है। तो यही थोड़ा सा दोस्तों था, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप अब फिर से गैप कर रहे हो, वीडियो बहुत बहुत दिन नहीं है आ पा रहे, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती कभी। और बाकी मैं पौधे आपको दिखा दूँ, ये पौधे तो देखिए इन्जॉय करते हैं बारिश को, चंपा वगैरह हैं, और देखिए हवा चली थी एक, वो भी गिरा हुआ है, लमंडा जो है पूरा जो है। और ये सब पौधे व्यवस्थित हो चुके हैं, छत की भी साफ़ सफाई हो चुकी है जो, अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो जो है कुछ पौधों की रिपोर्टिंग रह गई है, क्योंकि दोस्तों जो ये सामने जहाँ पे केले का प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे कंपोस्ट पड़ी हुई है हमारी जो है गोबर की खाद, लेकिन इतनी ज़्यादा गीली है क्योंकि इतने दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ पौधों की, मुझे करनी थी। और जहाँ से राइस हस्क लाता दोस्तों, मतलब जो राइस मिल थी जहाँ से मुझे अच्छा राइस हस्क मिल पाता है, तो वो अंकल जो है एक प्लॉट में वो राइस हस्क लगाते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे, अब उस प्लॉट में दोस्तों इस बार भर गया है पानी, तो वहाँ पे भी मुझे राइस हस्क नहीं मिल पा रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं जिसके चलते मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ अपने पौधों की। कुछ बोगनवेलियाँ हैं जो इस बार मैंने ऐड कर ली, ठीक है, हमारे दोस्त लोग भेजते रहते हैं फ़ोटो, खासकर हमारे गप्पू भाई जो हैं, और ये दोस्तों बहुत अच्छी बोगनवेलिया है, ब्लूबेरी आइस करके नाम है, इसमें फेरस की बहुत ज़्यादा कमी थी जब मैं लाया था इसको जो है, और अब मैंने इसको दो तीन फीडिंग दी हैं, दो फीडिंग हाँ दी हैं मैंने इसको जो है, और धीरे धीरे कलर वापस आ रहा है इसका, ठीक है, जो नई नई लीव्स आ रही हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, पुरानी पत्तियों में भी जो है हरापन लौट आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं भी लौटता है, ठीक है, लेकिन जो नई लीव्स आती हैं उनमें देखिए जैसे ये है ना, ये न्यू आ रही हैं जो बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएंगी धीरे धीरे। और ये देखिए, और एक चीज़ और होती है कि दोस्तों कितनी कमी आई हुई है, बहुत ज़्यादा कमी आती है, मान लीजिए कई बार पत्ते ऐसे बिल्कुल वाइटिश हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 5-6 जब फेरस की फीडिंग अच्छे से मिल पाती है ना, तब पौधा ठीक हो पाता है। तो ये थोड़ी सी थी, और यहाँ पर भी जो है ये सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने जो है, ये चिड़िया दोस्तों चावल खाती हैं तो ये रोज़ गिराती हैं इधर से जो है, ठीक है। बाकी पौधे भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो है, ताकि आप एंजॉय कर पाएँ, दिक्कतें तो लगी ही रहती हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे तो पॉली हाउस हमें बना लेना चाहिए, दोस्तों पॉली हाउस का भी बहुत झाड़ है, क्योंकि वो भी गुलाब को बंद क्लाइमेट पसंद नहीं होता है ज़्यादा जो है, कि पॉली हाउस लगा लिया या ग्रीन नाइट लगा लिया। इस बार दोस्तों मैक्सिमम जो हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी लोग थे उन्होंने ग्रीन नाइट लगा लिया। ग्रीन नाइट में वाटर मैनेजमेंट एक अलग तरीके से होता है, ऐसे नहीं लगाया जाता, गुलाब को कवर रहना पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो है। इधर भी मैं आपको अगर दिखाऊं, ये गुलाब अभी बिल्कुल सो रहे हैं, नेचुरल अपने आप डोरमेंसी में जाते हैं, ठीक है जो है, क्योंकि मैं इनकी फीडिंग दोस्तों जितने भी आप पौधे की देख रहे हो ना बड़े, मैंने मार्च लास्ट के बाद इनकी जो है फीडिंग बिल्कुल बंद कर दी थी, कोई फीडिंग नहीं दी है, ठीक है। और अगर ग्रोथ लेते रहते हैं और अगर कुछ कमी आई भी थी तो मैंने एक दो बार थोड़ा बस फेरस की फीडिंग दी थी इनको जो है, और मैंने सारी फीडिंग बंद कर दी थी, ठीक है। गर्मी में तो DAP वैसे भी नहीं देते हैं, दिक्कत करती ही नहीं, तो इस मौसम में आप दे सकते हो और देना चाहो। और ये देखिए, ये पानी की वजह से ही जो है, ये देखिए ये कनेर जो है क्या हालत हुई है इसकी, इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ दोस्तों, वैसे मेरे यहाँ कम हमला होता है बंदरों का, लेकिन एक दिन बंदर आया था, और ये जो मैं शेप बना रहा था ना इसकी प्लूमेरिया की, ताकि ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एक बंच बन पाए, पूरी स्टेम यहाँ से ब्रेक कर गया। देखिए इसका सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, इसकी भी कई स्टेम तोड़ के गया, मैं आपको दिखाऊँ तो जो है देखिए ये स्टेम एक तोड़ के गया है, एक दोस्तों कोई और भी तोड़ी थी, अब ध्यान में नहीं आ रही है, यहाँ तो शायद ये ही ख़राब करके गया होगा, इसका भी शेप ख़राब करके गया है। और एक पौधा मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए मेहनत कैसे बर्बाद होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, ये पर्पल वाला गुलमोहर है, ठीक है, पर्पल कलर का, आप देखेंगे ना ऊपर जो न्यू स्प्राउटिंग आ रही है बिल्कुल टॉप पर जो है,
वो लगभग दोस्तों 15 फीट हाइट है, तो पूरा तोड़ गया, मतलब जो है 4 फीट उसके ऊपर पूरा उसकी स्प्राउटिंग थी, नई नई सारी पत्ती जो है तोड़ गया पूरी जो है। तो ये बहुत दिक्कतें हुई हैं इस बीच में जो है, अब मजबूरी है कुछ चीज़ों में, कुछ नहीं किया जा सकता जो है, ठीक है। और यहाँ पे ये एलोमेंडा मैंने सेट किए हैं, ये लीची का एक पौधा है, इसमें थोड़ी फेरस की दिक्कत है, ठीक है। इसको मैं जल्द ही बड़े थोड़े से गमले में शिफ्ट करूँगा और तब ये अच्छा बनेगा, और उम्मीद है लीची देगा क्योंकि वैरायटी अच्छी है। एक चीज़ आपको मैं छोटी सी और दिखाऊंगा जो है, ठीक है। इनकी भी दोस्तों रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है, ये जो पौधे हैं, क्योंकि मीडिया अभी नहीं मिल पा रहा, कंपोस्ट सारी गीली है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। देखिए दो पौधों की रिपोर्टिंग करी थी आर्टिफिशियल सॉइल में जो है, एक ये और दो ये एलोमंडा, एक ये चंपा है। देखिए इसमें न्यू स्प्राउटिंग आ रही है, पौधा देखिए कितना प्यारा बन गया है ये, ठीक है। तो इनकी क्योंकि रिपोर्टिंग कर दी है, इनकी भी अगर सेट कर दे तो बहुत ज़्यादा फूल हमें देखने को मिलता। तो इस प्रकार से एक शरीफे का पौधा है, ये देखिए इस तरीके से, ये भी दोस्तों आर्टिफिशियल सॉइल में ही लगाया हुआ है। इसकी जल्द शेयर करूँगा वीडियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जो है ये चंपा भी आर्टिफिशियल सॉइल में, और दोस्तों इसको लगभग 2.5 महीने के आसपास हुआ, बहुत छोटा प्लांट था, देख लो आप कितनी हैवी ग्रोथ ले ली है। और ये डॉर्फ वैरायटी है, सिंगापुर डॉर्फ पिंक बोलते हैं, बहुत तेज़ नहीं चलता, चलता हल्के ही हल्के है, लेकिन फिर भी क्योंकि मीडिया अच्छा है और क्लाइमेट अच्छा मिल रहा है यहाँ पे जो है, ठीक है। और इस साल से दोस्तों मैंने जो एक चीज़ और कर रहा हूँ अपनी छत, मैंने आपको हमेशा से बता रहा हूँ बहुत दिनों से, पॉट गर्म ना हो जो है, ठीक है। तो मैं अपनी छत पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा चलने को निकलने को मिलता रहे जो है, ठीक है, थोड़ा सा निकलने को मिल जाए जो है, और मेरी छत पे ना धूप बिल्कुल ना लगे, जो नीचे वाला एरिया होता है ये बिल्कुल कवर रहे, जैसे आप इधर को देखोगे पॉट भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये खास चीज़ है। आप अपनी छत पे अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर सकते हो ना, तो दोस्तों कोई पौधा नहीं हो सकता, गुलाब हो चाहे कुछ भी हो, खासकर गुलाब बहुत जल्दी झुलस जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि मैंने गुलाब के लिए ही दिखाने को वीडियो बनाई थी, मगर गुलाब तो बारिश में भी गड़बड़ चल रहा है, तो इसी से काम चला लेते हैं। देखिए इस बहुत सुंदर वैरायटी है, भी आपको दिखाऊं, अब इसके फूल झड़ गए हैं दोस्तों, जल्दी मिलती भी नहीं है, ये डबल पेटल मधुमालती है, बहुत खुशबू है। ये 3 चंपा ऑनलाइन मंगाई थी, ये भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। एक ये भी है, और मैं आपको छोटा सा अगर एक अपना वो दिखाऊं, ये दोस्तों मैं अपना एक वर्टिकल गार्डन बना रहा हूँ जो है, तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि मैं बहुत चीज़ों की व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पौधे दोस्तों बांध के रखने पड़ते हैं, आप समझ लो, अगर ये एक बार गिर गए ना तो सारे टूट के ख़राब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें देखनी पड़ती हैं। ये देखिए ये बेर है, ये भी बांध के रखा हुआ, आंधी में गिर जाएगा नहीं तो। ये चंपा भी जो है, ठीक है। तो गार्डनिंग में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक तो बारिश की है दोस्तों, एक आंधी की, ये दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। और गर्मी की तो हम देखते ही हैं, जो भी गर्मी की प्रॉब्लम जो है। ये चंपा भी मुझे एक अभी बांधनी है ताकि गिर ना जाए, देखिए बन जाने लग गया इसको जो है, बहुत प्यारी वैरायटी, मेरी फेवरेट है चंपा में जो है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और गर्मी में भी दोस्तों इसके पत्तों में कोई स्क्रॉचिंग नहीं आती है, इन वाली पत्तों चंपाओं में आ भी जाएगी लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं आती है जो है, ठीक है। तो छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। गुलाबों ने तो इस बार बिल्कुल दिल तोड़ दिया, गुलाबों की गलती नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बारिश है, मजबूरी है, क्या करा जाए जो है, इतनी सारी चीज़ नहीं की जा सकती है। पीछे उधर अगर मैं दिखाऊँ तो कैलकटा 300 में अभी भी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, बाकी सारे पौधे सो रहे हैं, ठीक है। और एक जो पौधा था मैं आपको दिखा रहा था, इसका राइस इसका बहुत डिकम्पोज हो गया था, इस बार दोस्तों मैंने पहला प्लांट जो है गुलाब का, बाकी वैसे तो मैंने कई पौधे लगाए हैं, एक आर्टिफिशियल सॉइल में शिफ्ट किया है जो है, ये क्या नाम है इसका, टॉपसी टर्वे नाम है, बहुत अच्छी दोस्तों वैरायटी है फ्लोरिवंडा की जो है, ठीक है। फ्लोरिवंडा है शायद, फ्लोरिवंडा में ये जहाँ तक है, यहाँ तो पोलिंथा में होगा, अच्छी आती है लेकिन जो, ठीक है। ये दोस्तों जो मैं अभी जो सॉइल मिक्सचर बना रहा हूँ, आर्टिफिशियल सॉइल जो मैंने नाम रखा है इसका जो है, इसकी जो दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है ना, कल में मैंने इसको लगाया था जो है, और क्योंकि बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था इधर साइड को, मैंने इसको रखा हुआ था ऐसे ही जो है,
तो मैंने कहा लगा दूँ खम खम में, ख़राब हो जाए लापरवाही में जो है। तो ये जो दोस्तों सॉइल है ना, इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है, इसको हम कई चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। और इसको दोस्तों बनाया जाता है पानी में भिगोकर, कंपोस्ट भी हम भिगो देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी यूज़ होती है वो भी भिगो देते हैं, हल्का सा सैंड भी यूज़ होता है 5% के आसपास, वो भी भिगा देते हैं जो है। राइस हस्क दोस्तों जो है, ठीक है, राइस हस्क भी लगभग 15-20% जो है वो भी हमें भिगा के गलाना पड़ता है, और फिर सब चीज़ों को मिला के लगाते हैं। अब इसकी जो खास बात है ना वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वीडियो तो इस पर बाद में ही आएगी। इसमें पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है, मैंने इसको कल लगाया, एक पत्ता भी इसका डाउन नहीं हुआ है, आप समझो वैसे का वैसे ही बिल्कुल खड़ा हुआ है। क्योंकि ये मीडिया दोस्तों बिल्कुल ठंडा रहता है जो है, किसी तरीके की हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। अब आपके मन में एक चीज़ होगी कि कंपोस्ट जो है अगर 2-3 बारिश निकल जाए उसके ऊपर तो उसकी हीट चली जाती है, लेकिन दोस्तों हीट नहीं जाती उस हिसाब से, ठीक है। तो जब हम इसको पानी में ही डाल देते हैं ना, एक टब लेके, बड़ा सा टब लेके उसी में भर देते हैं, और लगभग महीने जो है, एक महीना या 1.5 महीना जब वो पड़ी रहती है ना, सारी हीट बाहर हो जाती है, और फिर जब आप पौधा लगाओगे ना इशारों में चल जाता है। एक अगर मैं आपको एग्जांपल ही बताऊं, ये जो दोस्तों मेरा पौधा है कोकोपीट में था, कोकोपीट 5-6 महीने में डीकम्पोज हो जाता है। शुरुआत में बहुत अच्छा चला, पिछले साल दोस्तों मैंने कोकोपीट में लगाया था इसको जो है, अब साल भर इस बार होने को आ गई, और बिल्कुल ये इसकी रूट्स जो थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मुझे देख के भी समझ में आ रहा था, मीडिया की थोड़ी सी कमी थी उस टाइम पर, क्योंकि 45 दिन आप जानते हो बनने में लग जाते हैं अच्छे से, तो इसलिए रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे ही दोस्तों तैयार हुआ मेरा मीडिया, जो आर्टिफिशियल सॉइल बता रहा हूँ, मैंने दोस्तों इसकी सब लगभग कोकोपीट हटा के इसको लगाया, और आप देख लीजिए इसकी जड़ें इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, ठीक है, आप चमक भी देख पाओगे जो है। और ये दोस्तों बिल्कुल शौक में नहीं गया, कुछ पत्ते इसने अपने बाद में झाड़ दिए, लेकिन बिल्कुल भी मुरझाया नहीं कुछ नहीं। तो पौधा दोस्तों अगर मुरझाए ना रूट काटने के बाद, वो मीडिया सबसे बेस्ट है अगर सेट हो जाए बिना मुरझाए, तो इसलिए हीट निकाल के अब हम मीडिया बनाएंगे। मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाई थी जो है, ठीक है दोस्तों। कुछ चीज़ें जो है अगर आप मेरी 2-3 बातें मान लोगे ना, आपका पौधा ख़राब नहीं हो सकता। फर्टिलाइज़र देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं आपको, जिसको भी ठीक लगता हो, क्योंकि मैंने अभी देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है केमिकल, और इस बार मैं कर भी रहा हूँ तो सचिन भैया जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। और वैसे अगर मैं खुद से काम करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, 3-4 साल दोस्तों लग जाएंगे आराम से जो है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो हैं, केमिकल्स जो हैं, वो बहुत हिसाब से दिए जाते हैं। अगर आप दुनिया भर का भरोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हिसाब से ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत एक्सपर्ट के टच में होते हैं, ठीक है। एक रात में ये ज्ञान नहीं आ जाता है किसी को भी जो है, कि एक रात में इतनी सारी चीज़ें सीख ली, सालों साल लगते हैं। आप ऐसी एग्जांपल लगा सकते हो कि कोई कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो हम ठंडों में ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए ठंड में अगर वो एक्सपेरिमेंट हमारा फेल रहा, अब ठंड तो नेक्स्ट ईयर ही आएगी ना, उससे पहले आप नहीं कर पाओगे वो एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए इन चीज़ों में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर मेरी बातों को समझ पाओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से गुलाब चला पाओगे। DAP दोस्तों एक बहुत हल्का फर्टिलाइज़र है, किसान तो DAP यूरिया बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूरिया तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, DAP मैं देता हूँ तो आपको बता देता हूँ। अभी मैंने बोगनवेलिया में भी दी थी, ग्रोथ नहीं ले रही थी, नई नई स्प्राउटिंग अब तेज़ हो गई है इनमें भी, ठीक है। तो मैं अभी तक जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल है, DAP हो गया, फेरा सल्फेट हो गया, ठीक है। फेरा सल्फेट ज़रूर लोग नहीं जानते थे और उनके पौधे बहुत ख़राब हुए हैं, येलो लीफ हो करके जो है, ठीक है, इस तरीके से पत्तों में पीलापन आ जाता था, खासकर मैंने गुलाब में देखा है, ठीक है। तो मैंने जब बताया लोगों को जो है, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, सस्ता भी काफ़ी मिल जाता है, ऑनलाइन हो सकता है महंगा हो, वैसे जो है आपको 300 रुपये तक का मिल जाएगा 5 kg का बैग जो आता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, फेरा सल्फेट हो गया दोस्तों, ठीक है। और आपका जो है, मैंने एक आपको ताकत बताया था, ठीक है, ताकत जो था, अब दोस्तों मैंने इस समय ताकत अब थोड़ा बंद कर दिया है, कारण उसका एक रहा है, ताकत में अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही। अब मुझे पता नहीं कंपनी ने कुछ फार्मूला चेंज किया है, जो भी किया हो, क्योंकि आज से अगर मैं कई साल पहले की बात करूं, जब नया नया ताकत आया था, तो मैं भी राहुल सर की वीडियो देखकर ही जो है लाया था ताकत जो है। फिलहाल मैं देखिए फॉलो वगैरह किसी को नहीं करता हूं, लेकिन अब मान लीजिए मार्केट में कोई नई चीज़ आई हुई है, ठीक है, तो वो ऐसे तो पता लग नहीं पाती है कि आपको एकदम आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये प्रोडक्ट आया, देखते हैं वीडियोज़ वगैरह समझ में आता। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट के लिए मंगाया था, और जो उसका सबसे बड़ा कारण था ताकत का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पौधों में क्लोरोसिस की बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो ये पत्ते फेड हो जाते हैं ना इस तरीके से जो है,
इसकी दोस्तों बहुत दिक्कत थी, तो मैंने उस टाइम पे फिर ताकत को मंगाया था कि रिजल्ट देगा। फिलहाल उसमें दोस्तों रिजल्ट भी मुझे नहीं मिला क्लोरोसिस में, लेकिन और एक चमक मुझे मिली पौधों में, एक ग्रीनपन आया जो क्या कहते हैं, जिनमें क्लोरोसिस नहीं थी उन पौधों में एक अलग थोड़ा सा मुझे रिजल्ट मिला। साथ ही मिट्टी को भी काफ़ी अच्छा कर देता, भुरभुरा कर देता था। उस समय मैं मिट्टी में ही पौधे लगाता था, 4 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ जो, ठीक है। और वो था, और मैंने दोस्तों एक मंगाया था माइक्रो 7 करके भी एक प्रोडक्ट आता है नवल वालों का ही जो, उसका रिजल्ट दोस्तों बहुत बेकार था। कोई मुझे कभी समझ में नहीं आया क्या रिजल्ट था उसका, नहीं था। मैंने फिलहाल आधी बॉटल इस्तेमाल करके फेंक दिया था, ठीक है। ताकत में करता रहा, अब मैंने थोड़ा सा होल्ड पे किया है ताकत जो है, क्योंकि मैंने देखा कई बार से कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब कंपनी ने कुछ फार्मूला चेंज किया है या काफ़ी टाइम हो गया एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, तो ये वजह हो सकती है जो है, ठीक है। तो ये चीज़ रही है जो है। तो मैंने आप लोगों को ताकत बताया था, एप्सम सॉल्ट बताया था। एप्सम सॉल्ट तो दोस्तों देखिए मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, नेचुरल उनमें जो है जो आपका फोलिएज होता है उसको ग्रीन करता है, ठीक है। और भी काफ़ी सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और भी चीज़ें होती हैं कई। तो मैंने आपको बहुत सिंपल फर्टिलाइज़र बताए थे 5-6 जो है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जो है, ठीक है। और मैंने आपको एक अपना भी बताया था, अगर आपको फेरस नहीं मिल रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है जो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसको हमने इस तरीके से बनाया कि कैल्शियम और फेरस वगैरह था, ठीक है। कई लोगों क्योंकि फेरस नहीं मिल रहा था, फिर वो मुझसे कहते कि आप हमें पार्सल कर दो जो है। अब मैं ख़रीद के दोस्तों उनको पार्सल करता तो इसमें फिर वो था, तो मैंने उस दौरान एक अपना भी डेवलप किया जो है, अभी भी दोस्तों है, मैं अपने कुछ पौधों में वही देता हूँ जो है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्टिलाइजर्स बताए थे जो थे, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कुछ चेंजमेंट रहे जो है, जो गुलाब है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि हर वैरायटी का नेचर अलग है, हर वैरायटी एक हिसाब से फीडिंग नहीं लेती। कुछ वैरायटी दोस्तों 2-3 दिन के गैप से लेती हैं, कुछ वैरायटी जो हर रोज़ फीडिंग लेती हैं। अब जब इतनी चीज़ें जो हैं, इतनी सारी जो हैं, मुझे सचिन भैया से ही जानने को मिली, ठीक है। और वही पहले इंसान ऐसे थे, मुझे फ़िलहाल ये चीज़ समझ में थी कि पॉट अगर गर्म होता है तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन उन्होंने सबसे शुरुआती स्टेज में ये बात कही कि पॉट अगर गर्म हो रहा है तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो लोग मीडिया में जो पानी देते हैं उसका भी एक खास तरीका उन्होंने बताया, ठीक है। कि होता क्या, जब हमारा पॉट गर्म होता है और हम गर्म पॉट में ही पानी दे देते हैं, उससे हमारा जो प्लांट होता है उसका सेल वाल जल जाता है, और जिस प्लांट का सेल वाल जल गया ना, वो फिर प्लांट छूट ही लेगा, वो आप समझिए अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कई चीज़ें थी कि पानी तब तक दो जब तक उसके पॉट में से ठंडा पानी ना निकलने लगे। अब ये चीज़ सॉयल में तो मुश्किल है, लेकिन सिंडर में या राइस हस्क वाले मीडिया जो, इससे बहुत जल्दी पानी निकलता है, आप लोग जानते हो। तो मैंने जैसे पॉट को दिया और मैंने ऐसे पैर लगा के अगर देखा तो पता चल जाता है गर्म पानी आ रहा है, ठंडा आ रहा है। तो ये चीज़ भी रही जो है, और इस साल भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीख रहा हूँ धीरे धीरे जो है, नॉर्मल तरीके से। और इस बार का जो सीज़न है आपके लिए सच में बहुत अच्छा रहेगा। मैंने पहले से ही कहा हुआ है कि जो हमारे सब्सक्राइबर लोग वगैरह, भैया कोई ऐसी फीडिंग हो जिसमें ज़्यादा चेंजमेंट ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने आज शुरू करिए तो आप 2-4 महीने तक कंटिन्यू दे सकें। जो बारंबार वाली फीडिंग होती है ना, आज ये देना है परसों ये देना है, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने उनको पहले से ही बताया हुआ है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक नॉर्मल लोग हैं, किसी को बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना है। उनका ऐसा ही हो जाए कि 30-40 फूल खिलते रहें आराम से, ठीक है, पौधा डैमेज ना हो, हर साल 30-40 फूल खिलते रहें। तो मैं आपको कई चीज़ें इसके लिए बताऊंगा जो है। एक तो दोस्तों वैरायटी कुछ जो है अच्छी, अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अच्छी वैरायटी, पॉट गर्म ना हो मैंने पहले ही बता दिया, या तो 2-लेयर पॉट सिस्टम का इस्तेमाल करिए, या तो फिर आपका कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, जैसे आप देख रहे हो ना ये पॉट दिख ही नहीं रहे हैं, तो पॉट गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पॉट गर्म ना हो। मीडिया दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये जो आर्टिफिशियल सॉइल, शायद भविष्य में मैं यही सजेस्ट करूँ जो है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती बिल्कुल, और आप जड़ें काट के लगाते हो ना अपना गुलाब, इशारों में सेट हो जाता है, समझ लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और मोस्टली लोगों के गुलाब डैमेज होते हैं जब वो जड़ें काटते हैं, ठीक है। नए गुलाब तो दोस्तों बहुत जल्दी संभल जाते हैं, लेकिन पुराने कई बार बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी हार्डनेस भी आ जाती है पौधों में, जो कई बार मर जाते हैं पूरा पूरा डैमेज होके। तो एक ये मीडिया रहेगा, एक मैंने 2-लेयर पॉट सिस्टम बताया है। फीडिंग दोस्तों मैं आपके साथ शेयर ही करूँगा, और ऐसी फीडिंग शेयर करूँगा जो आपने आज स्टार्ट की है, तो आप 1-2 महीने 3 महीने उसी को देते रहें। बीच में ये नहीं है कि अब 2 दिन बाद ये देना है, 2 दिन बाद वो देना है, क्योंकि ये चीज़ सरदर्दी बहुत बड़ी करती है, और नॉर्मल तरीके से आपके गुलाब भी ग्रो हो पाएंगे। मेडिसिन मैंने आपको पहले से बताई है, वो मैंने यूज़ कर रहा हूँ अभी भी,
एमिस्टर टॉप हो गया जैसे, या एमिस्टर आप ले सकते हो फंजीसाइड में। दूसरा जो है मैं डेलिएट यूज़ करता हूँ थ्रिप्स के लिए, और एग्जोडस। अब दोस्तों मेडिसिन में भी एक प्रॉब्लम है, जैसे एग्जोडस है, मेरे कई राजस्थान के सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है उनके एरिया में वर्क नहीं करता है। वहीं अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, मेरे एरिया में बहुत अच्छा वर्क करता है जो है। मैं एक स्प्रे कर दूँ चली जाती है जो थ्रिप्स होती है। माइट पे तो देखिए मैंने कभी भी रिजल्ट नहीं देखा है एग्जोडस का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ओवरऑन देता हूँ उसके लिए। और कई जगह लोगों का कहना है ओवरऑन भी काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे सचिन भैया की साइड दिल्ली में वो बता रहे थे कि ओवरऑन काम नहीं करता हमारी तरफ जो है, तो वो जो यूज़ करते हैं वो मैजिस्टर करके एक दवा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है लेकिन बता रहे थे वो जो है, ठीक है। तो जो है तो इस तरीके से दवा का सिस्टम है। अब आप एक काम बस इसमें कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई दवा अगर काम नहीं करती तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम धीरे धीरे करके एक लिस्ट बना लेंगे कि इस एरिया में ये दवा काम नहीं करती है। वैसे मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है कि मान लीजिए मेरे एरिया में तो जो दवा काम कर रही है लेकिन आपके एरिया में कर रही हो ना कर रही हो, ये तो दोस्तों बताया ही नहीं जा सकता है। तो इसमें सभी सब्सक्राइबर लोग ही हेल्प कर सकते हैं अपने अपने एरिया के बता के कि कौन सी दवा उनके में काम कर रही है, ठीक है। अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, इससे मेरी भी हेल्प होगी, दूसरे लोगों की भी बहुत हेल्प होगी, ताकि मैं सही से उनको बता पाऊंगा कि भैया आप राजस्थान के हो तो एग्जोडस मत यूज़ करो, आप वहाँ के हो तो वो दवा यूज़ मत करो। अभी लेकिन मैं ये चीज़ ऐड नहीं कर पाता हूँ, अभी मेरा कहना यही होता है मैं ये दवा यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। लेकिन ये कि ये फैक्ट है। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अब मैं ध्यान रखूँगा थोड़ा सा जो है, वैरायटी आपको अच्छी सजेस्ट करूँगा। मीडिया जो मैं बना रहा हूँ ना, ये दोस्तों बिल्कुल ही अलग चीज़ है, और लगाओगे आप पौधे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको राइस हस्क में नहीं चला मिल रहे हैं पौधे, ठीक है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा जिसको आता है कुछ करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जैसे मेरी तो आदत पड़ी हुई, मैं राइस हस्क में लगा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लगाया उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई है। एक कारण सबसे बड़ा जो रहा है वो मैं आपको बता दूँ, पॉट का हीट होना जो है, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मिट्टी भी मिलाई है, उनको कंपोस्ट नहीं मिला तो उन्होंने राइस हस्क में जो है मिट्टी ऐड कर ली, मिट्टी मैंने मना की हुई है साफ जो है, ठीक है। और बहुत से लोग दोस्तों कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहा है, और बताते लोग नहीं है, लेकिन पूरी बात जो है जब बात आती तो वो कहते हैं आपके वाले मीडिया में ही लगाया है, जैसा आप बता रहे हो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस समझ में आता है जब वो फोटो शेयर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, तो मेरा जो मेन फोकस है वो मीडिया पर रहने वाला, जो मैं आपको बताऊँगा ही, और जो है एक वैरायटी पे रहने वाला है। फीडिंग दोस्तों मिल ही जाएगी, फीडिंग मैं आपको 10 तरीके की इस बार शेयर कर दूंगा, ठीक है। मर्जी आपकी होगी आप कौन सी देना चाहोगे, कोशिश मेरी यही रहेगी ऐसी सिंपल फीडिंग शेयर करूं जिससे रिजल्ट आपको हाई क्लास का मिले, और दिक्कत ना हो कि आज ये देना है कल वो देना है। ये बहुत दोस्तों दिक्कत वाली बात हो जाती है कि आज सैटरडे अच्छा आज ये देना है, आज जो है संडे आज ये देना है, तो ये लोग मैनेज नहीं कर पाते। मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद का ही मैनेज नहीं कर पाता उस तरीके से, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी फोकस रहेगा। फिलहाल ये पौधे भी आप देखोगे ना, थ्रिप्स का अटैक है सब पे, और डैमेज भी हैं थोड़े थोड़े जो हैं, मरा तो कोई भी नहीं है, एक दो जो ख़राब हो गए तो वो मैंने अब हटा दिए यहाँ से, फेंक दिए हैं। एक ये पौधा जो है इसको भी हटाना है अभी दोस्तों यहाँ से जो, ठीक है। एक ये टियारा गुलाब है, इसमें घास जमी हुई, इसको भी मैं हटाऊँगा, नहीं तो ये धीरे धीरे जो है पौधा ख़राब कर देगी, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस बार का रहा है। अब जो भी दिक्कतें मैं आपसे शेयर करता रहूँगा टाइम टाइम पे। यहाँ कुछ बास्केट लगाई हैं, इस पर मुझे कुछ पौधे लगाने हैं परमानेंट जो है। फिलहाल सोच रहा हूँ जो आप सामने देख रहे हो ना अभी, वो जो दोस्तों पौधा है रसेलिया क्रीपर, फायर क्रैकर भी बोलते हैं जो, वो लगाने की सोच रहा हूँ कि इसमें लगाऊंगा जो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। और जो है आज दोस्तों मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा वीडियो बनाने का जो है, क्योंकि मेरा मकसद था इस बार ये पौधे हेल्दी करके एकदम बढ़िया करके और अच्छी एक सीरीज़ चलती रहेगी, लेकिन मजबूरी थी बारिश के आगे, तो भैया कुछ नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका था कि यहाँ पे एक पॉलीथीन लगा लेता जो है मैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए गार्डन में जो दिक्कतें आती हैं, मैं आपको ध्यान में होगा ये फॉगर लगाए थे, ठीक है। ये अभी फिर से इंस्टॉल हो जाएंगे, ये अभी खोल दिए हैं, पीछे तक जो गई हुई थी ग्रीन रोप जो है। कारण मैं आपको बताता हूँ, रक्षाबंधन का टाइम था, अभी भी आप देखो पतंगें उड़ रही हैं थोड़ी बहुत, जो देखिए कितना मांजा ये चाइनीज इकट्ठा किया हुआ है। तो हमारा जो एरिया है ना, इधर हर घर में ही लगभग पतंग उड़ती है रक्षाबंधन के आसपास दो चार दिन जो है, तो इतना ज़्यादा ये चाइना मांजा जो है मजबूत होता है, ये इस रस्सी को काट देता, पाइप को भी डैमेज कर सकता था, तो मजबूरी में ये भी हटाना पड़ा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो आती जाती रहती हैं गार्डन में जो है।
इधर की फ़िलहाल नहीं हटाई थी क्योंकि इधर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा लोहे का जो है सिस्टम बना हुआ है, इधर भी जो है उधर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये दोस्तों गया हुआ था ना सामने तक उधर तक, वहाँ पे दिक्कत थी थोड़ी सी जो है, तो इसलिए हटा दिया। क्या फ़ायदा नुकसान होता, लगभग दोस्तों 16,000 रुपये मेरा इन्वेस्ट हुआ है इसमें, क्योंकि पूरा एरिया ये कवर हुआ है, नीचे भी पूरा एरिया कवर हुआ है अगर आप देखोगे तो। ये चीज़ रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो गई, आप लोग फिर कहेंगे कि बहुत बड़ी वीडियो बना देते हो आप जो है। तो कुछ बातें थी मन में, मैंने एक फैमिली की तरह ही मैं मानता हूँ जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत एक्सपर्ट लेवल वाले नहीं जुड़े हुए, उनको एक नॉर्मल सी ग्रोथ चाहिए, एक नॉर्मल उनका पौधा अच्छा चलता रहे, इस टाइप के देसी लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही थोड़ी सी चीज़ें थी। फिलहाल दोस्तों मन मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है इस बार बारिश की वजह से जो है, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ और भी कई काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने और अपने पौधे का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो शाम के टाइम में व्हाट्सअप करके जो है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, मेरे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैंने व्हाट्सअप पे अपना नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हर बार जो है। तो लोग दोस्तों क्या करते हैं ना कि अगर उन्होंने कोई मैसेज किया, खासकर सुबह में या लेट रात में बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास, 12 बजे के बाद भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं रिप्लाई अगर बिल्कुल टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, जो संभव भी नहीं है एकदम, जैसे आपने अभी मैसेज किया और मैं करता हूँ, तो लोग चैनल अनसब्सक्राइब कर जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत होता है कि मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और 10 तुरंत ही घट जाते हैं, कारण वही मैसेज का रहता है जो मैंने टाइमिंग बताई है उस पर वो करते नहीं है और अपने टाइम पर मैसेज करके छोड़ देते हैं। मैसेज मेरे पास इतना आता है कि वो नीचे जब चला जाता है तो सीन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण है, मुझसे कुछ लोग कह भी रहते हैं कि आपका चैनल उतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है और वीडियो वगैरह भी आप सही बनाते हो, प्लांट भी ओरिजिनल दिखाते हो। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो है, ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं आप कुछ इसका नहीं कर पा रहे हैं, तो नंबर दिया हुआ है पूछ रहे हैं बता नहीं रहा है या ये है वो है, तो कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो जो है अपनी पावर जो है चैनल को अनसब्सक्राइब करके दिखा दो, तो ये चीज़ें रहती हैं, फिर भी दोस्तों चलती रहता है ये, तो सब ऐसा ही है। यूट्यूब का जो कल्चर है बहुत ही आर्टिफिशियल कल्चर है, ठीक है, बहुत नकली लोग ही आपको मिलते हैं ज़्यादातर जो है, मतलब जो अपनी चालूपन के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जो जुड़ते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी मुझे मिले इस दौरान जगह जगह से, बहुत से दोस्ती भी हो गई, सब्सक्राइबर थे मगर वो अब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बन गए बहुत सारे लोग जो हैं। तो ये भी एक चीज़ है, अच्छा पहलू भी एक बुरा पहलू भी है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, निश्चित जो है मैं बिल्कुल रिप्लाई कर देता हूँ। हो सकता है दोस्तों 1-2 दिन लग जाए लेकिन मैं रिप्लाई कर जरूर से देता हूँ, ठीक है। कोशिश करिएगा कि फ़ोटो ज़रूर साथ में भेजें। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि ये बीमारी लगी है तो उसका फ़ोटो वगैरह भेजिए, क्योंकि मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं टेलीग्राम है या कुछ और है आपका, इंस्टाग्राम वगैरह मैं कुछ भी नहीं अभी यूज़ करता हूँ, ठीक है। फेसबुक वो भी बहुत कम एक्टिव रहता हूँ उस पर। तो नंबर मैंने सीधा सीधा दिया है ताकि आपको सीधी मदद मिल पाए, नंबर फ़िलहाल कोई देता नहीं है जल्दी जो है, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, कुछ लोगों के मन में हुआ कि मैं पैसे वगैरह भी मांग लेता हूं क्या, कि भैया मैं हेल्प कर रहा हूं तो पैसे, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल जो है, ठीक है। कई लोगों के मन में क्योंकि ये हो सकता है इसलिए मैंने बता दिया है कि कोई नंबर कोई देता नहीं है, और कई लोगों के मन में हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ भी चक्कर हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब है भैया कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स।